खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियंस सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा में देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई। और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनेता रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा, जो रेखा के रूप में दिखाई गई, 2 बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता, और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा, जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह
मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है। जिसने नंदिनी को एक स्टार बना दिया, आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। नंदिनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय नंदिनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है, जिसमें वह हार जाती और नंदिनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती। और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है, जिसे ज्योति ठुकरा देती। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, नंदिनी रूप सोनू वालिया के रूप में, हीरा लाल कादर खान के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में, मंगल ढिल्लो संजय दीत सत्यजीत के रूप में, बालिया और सुलोचना लतकर जद की माँ के रूप में और बाबा के रूप में, पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियंस सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओरिएंटेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई। और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनेत्री रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी का प्रेमी है। हालांकि नंदिनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में
उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदिनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदिनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए, और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता, और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदिनी को रखा, जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है, जिसने नंदिनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। नंदिनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय नंदिनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है, जिसमें वह हार जाती और नंदिनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है, जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियंस सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई, और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं। मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनेता रहे हैं।
संजय वर्मा द्वारा इसको संताबित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी, वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने निंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में, हीरा लाल कादर खान के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में, मंगल ढिल्लो संजय दीत सत्यजीत के रूप में, बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में, पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग
हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियंस सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा में देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खूनी भरी मांग। खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज़ हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई। और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनेत्री रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदिनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह
मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है। जिसने नंदिनी को एक स्टार बना दिया, आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। नंदिनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय नंदिनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है, जिसमें वह हार जाती है और नंदिनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती है। और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है, जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, नंदिनी रूप सोनू वालिया के रूप में, हीरा लाल कादर खान के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, सईद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में, मंगल ढिल्लो संजय दीत सत्यजीत के रूप में, बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में, पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियंस सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई। और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनेत्री रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी का प्रेमी है। हालांकि नंदिनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में
उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदिनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदिनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए, और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता, और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसा का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदिनी को रखा, जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है, जिसने निंदिनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदिनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय निंदिनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है, जिसमें वह हार जाती और निंदिनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती है। और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है, जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदिनी रूप सोनू वालिया के रूप में, हीरा लाल कादर खान के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में, मंगल ढिल्लो संजय दीत सत्यजीत के रूप में, बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में, पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई, और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है, और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनेता रहे हैं।
संजय वर्मा द्वारा इसको संताबित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी, वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसा का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने निंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग
हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओरिएंटेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई। और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनेत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा, जो रेखा के रूप में दिखाई गई, 2 बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसा का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा, जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है, जिसने निंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल
बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल जल से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में, हीरा लाल कादर खान के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में, मंगल ढिल्लो संजय दीत सत्यजीत के रूप में, बालिया और सुलोचना लतकर जद की माँ के रूप में और बाबा के रूप में, पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जन के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज़ हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं। मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनेत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं।
जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदिनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मां देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने नंदिनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। नंदिनी में भी बहुत अधिक सफल जल से राजनीतिक लोकप्रिय नंदिनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और नंदिनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, सईद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज़ हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं। मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनीत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 146 मिनट तक चला।
और सार इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी, वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसा का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने निंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी
विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा में देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एसेंशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खूनी भरी मांग। खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज़ हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनीत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 146 मिनट तक चला और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसा का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने निंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योति को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह
हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है, जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना लतकर जद की माँ के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज, और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जन के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एसेंशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई। और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनीत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 146 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को
छत विशत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता, और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संध्या हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदिनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने नंदिनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। नंदिनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय नंदिनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती है और नंदिनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती है और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म में देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एसेंशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं। मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनित रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 146 मिनट तक चला और सार इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था।
आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने निंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल जल से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तो वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में, हीरा लाल कादर खान के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में, मंगल ढिल्लो संजय दीत सत्यजीत के रूप में, बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में, पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा में देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी
और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एसेंशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई। और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनीत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 146 मिनट तक चला। और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी, वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसा का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने नंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तो वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद
की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठोकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना लतकर जद की माँ के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज, और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जन के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एसेंशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनीत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 146 मिनट तक चला और सार इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश
से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संध्या हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदिनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है। जिसने नंदिनी को एक स्टार बना दिया, आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। नंदिनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय नंदिनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और नंदिनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती है और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तब वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, नंदिनी रूप सोनू वालिया के रूप में, हीरा लाल कादर खान के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में, मंगल ढिल्लो संजय दीत सत्यजीत के रूप में, बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में, पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जर के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं। मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनित रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 146 मिनट तक चला और सार इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी। वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे।
हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वह अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने निंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती है और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तो वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में निंदनी, रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना लतकर जद की मां के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जन के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियन सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म में देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एसेंशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल और
रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनीत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला और सार, इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी, वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वे अंत में उससे शादी कर लेता है लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले। मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है जो अपने पहले से बहुत ही अलग थी। आरती ने अपना पहला पक्ष नंदिनी को रखा जो शरीर की सबसे सफल मॉडल अपनी लोकप्रिय और मात देने के लिए वह मॉडलिंग एजेंसी में एक मॉडल के रूप में भाग लेती है जिसने निंदनी को एक स्टार बना दिया। आरती ने अपना परिचय ज्योति के रूप में दिया। फोटोग्राफर जेडी उसकी सुंदरता को पहचानता है और उसे शहर की एक सबसे शीर्षक मॉडल बनने की प्रतिज्ञा करता है। निंदनी में भी बहुत अधिक सफल, जल्द से राजनीतिक लोकप्रिय निंदनी पर हावी हो जाती है कि निराशा होकर वह ज्योतिष को एक नृत्य प्रदर्शन के लिए चुनौती देती है जिसमें वह हार जाती और निंदनी जल्दी से बेरोजगार हो जाती है और ज्योति का पहला लक्ष्य तय हो जाता है कि इस बीच संजय ज्योति से सुंदरता पर मोहित हो जाता है। जब कोई ज्योति के हरकतों को शक करता तो वह उसके लिए एक अपनी चिंता दिखा देता और दोस्त के रूप में मदद की पेशकश करता है जिसे ज्योति ठुकरा देती है। वह जद से अत्यंत प्राप्त किया जाता है और कोई भी नहीं बल्कि आता। इसके बाद जो मूवी के फेंगना में रूप
रेखा के रूप में आरती सक्सेना जो ज्योति वर्मा है, कबीर बेदी संजय वर्मा के रूप में, निंदनी रूप सोनू वालिया के रूप में हीरा लाल, कादर खान के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जद के रूप में, और विक्रम सक्सेना राकेश रोशन के रूप में, शहीद जफारी मिस्टर सक्सेना के रूप में और अधिविक्ता के रूप में मंगल ढिल्लो, संजय दीत सत्यजीत के रूप में बालिया और सुलोचना, लतकर जद की माँ के रूप में और बाबा के रूप में पेदी जयराज, और टॉम ओस्टर प्लास्टिक सर्जन के रूप में और सुबह खोटे पशु चिकित्सा के रूप में, रामू के रूप में एक हंगले और सुबह सुलभा देश पांडे लीला के रूप में इस मूवी में अलग अलग कार्यरत रहे हैं। सभी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन। खून भरी मांग हिंदी मूवी है। यह फिल्म सन 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रही है, जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। ऑस्ट्रेलिया मिनी सीरीज रिटर्न्स टू इंडियंस सन 1983 पर आधारित थी। यह रेखा एक धनी विधवा के रूप में है, जिसे एक दूसरे पति के लगभग मार डाला है और बदला लेने के लिए निकल पड़ी है। फिल्म देखा गया है कि एक वापसी उद्यम थी और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। इसे 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल, और रेखा को उनकी दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार खून भरी मांग 12 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी और राकेश रोशन द्वारा यह मूवी निर्देशित की गई, और इस मूवी में जो निर्देशक रहे हैं वो राकेश रोशन रहे हैं, मोहन कोहली और रवि कपूर द्वारा इसको लिखा गया है, और रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कदर खान इस मूवी के अभिनीत रहे हैं। संजय वर्मा द्वारा इसको संपादित किया गया, राकेश रोशन द्वारा इसको संगीत दिए गए, और फिल्म क्रास्ट प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी का वितरण किया गया। सन 1988 12 अगस्त को यह मूवी रिलीज हुई और इस मूवी का कार्यक्रम लगभग 140 मिनट तक चला, और सार इस मूवी का जो सार दिया गया है वो आरती वर्मा जो रेखा के रूप में दिखाई गई दो बच्चों वाली विधवा थी, वह एक बदसूरत महिला जिसके चेहरे पर एक बड़ा जन्म चिन्ह था। आरती के पति की रहस्यमय परिस्थितियों में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उनके पिता शहर के सबसे बड़े बड़े अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। हालांकि जब आरती के पिता की हत्या उनके कार्यकर्ता हीरा लाल द्वारा की जाती है तो उनकी आरती की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वे अपने बच्चों को पालने के अलावा अपने जीवन के लिए कई अर्थ नहीं ढूंढती। हीरा लाल एक दोस्त होने के नाटक करता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। वे अपने गरीब भतीजे संजय को विदेश में लाता है और जो आरती की सबसे अच्छी दोस्त निंदनी का प्रेमी है। हालांकि निंदनी आरती से प्यार करती है, वह संजय को से बेहद प्यार करती है। जब वह उससे उसकी मदद मांगने का अनुरोध करता है तो आखिरकार उसकी संपत्ति की आरती को लूटने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। धीरे धीरे संजय आरती के बच्चों के करीब आता है और निंदनी और बाकी परिवार आरती को संजय से शादी करने के लिए मना लेते हैं। वे अंत में उससे शादी कर लेता है, लेकिन अगले दिन आरती संजय की निंदनी एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, जिसमें संजय ने आरती को नाव से मगरमच्छ से भरे पानी में धकेल दिया ताकि वह मर जाए, और उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिले मगरमच्छ आरती को मारता है और उसके शरीर को चेहरे को छत विछत कर देता है। हालांकि आरती का शरीर नहीं मिलता और संजय को विरासत में नहीं मिलती सकती जब तक कि उसका शरीर नहीं मिल पाता, और उसकी मृत्यु किसी भी संदेश से पूरे नहीं की जा सकती। इस कारण परिवार की स्थिति गंभीर हो जाती है और संजय हताशा से बच्चों और आरती की पालतू जानवरों के लिए अपमानजनक हो जाता है। कुछ महीनों बाद बुरी तरह से विकृत आरती अपने शहर लौटने का फैसला करती है और
अपना और अपने परिवार का बदला लेती है। वह व्यापारिक प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए पैसा का उपयोग करने करके भारी यात्रा में अपने महंगे हीरे के झुमके और आदान प्रदान करती है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन जाती है।